हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अभिलाषा और आज मैं रिव्यू आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। एंड वो रिव्यू है इसका, हिमालया एंटी रिंकल क्रीम। जी हां, आप देख सकते हो हिमालया एंटी रिंकल क्रीम का ये रिव्यू है। एंड मैं आपको दिखा दूं, पूरी बॉटल ख़त्म हो चुकी है, लास्ट का थोड़ा सा है, दो तीन दिन में ख़त्म हो जाएगा ये भी। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। इसका रेट है 250 रुपीज़ का है, 50 ग्राम है। ओके, शीशे की बहुत ही प्यारी सी बॉटल है, हिमालया का है, इसमें लिखा हुआ हिमालया सिंस 1930 एंटी रिंकल क्रीम। ओके, इसके जो इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा ग्रेप्स। नेट वेट 50 ग्राम, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। अब मैं आपको इसका प्रॉपर रिव्यू देती हूँ। तो गाइज, ये वाला जो क्रीम है, मैं इसे ऑलमोस्ट 3 महीने से यूज कर रही हूँ। कैसा है ये क्रीम मैं आपको खुद बताती हूँ अभी। ये देखिए, इतना लिया ना मैंने, खुशबू इसकी बहुत अच्छी है, बहुत भीनी सी एकदम फ्रेशनेस वाली खुशबू है। देखा, ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम के जैसा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपकी स्किन में बहुत ही इजीली एंड बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। आपकी स्किन को लगाने के बाद इमीडिएट बहुत ही ज़्यादा ये अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। साथ ही साथ नॉन ग्रीजी फॉर्मूला है, यानी कि आप खुद देख सकते हो मैंने क्रीम लगाया, लेकिन क्या आपको देख के लग रहा है कि मैंने यहाँ पे कोई मॉइस्चराइजर लगा रखा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता है। पता नहीं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन रियल में जब आप इसे लगाओगे ना, बिल्कुल भी मतलब ये ग्रीजी नहीं है, ऑयली नहीं है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाता है, मॉइस्चराइज भी करता है और आपके चेहरे को ऑयली एंड ग्रीजी लुक भी नहीं देता। ये इस क्रीम की बहुत ही अच्छी खासियत है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि इसका नाम ही है एंटी रिंकल क्रीम, तो मैं सच बताऊं, मुझे नहीं पता कि मेरा कोई रिंकल कम हुआ है या नहीं, क्योंकि इसे लगाने से पहले ऐसा नहीं था कि मेरे चेहरे पे भर भर के रिंकल्स थे और इसको लगाने के बाद खत्म हो गए हैं, राइट? ऐसा मुझे रिंकल ना तो था, तो इसीलिए मैंने रिंकल वगैरह तो कुछ ऐसा नहीं मैंने नोटिस किया है। लेकिन जो रिंकल वाली दूसरी कंपनी की जो होती है क्रीम, उन सब के अपेक्षा ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसका प्राइस कम है। दूसरा, हिमालया ब्रांड का है तो ऑब्वियसली ट्रस्ट वर्दी भी है, तो आप बिना सोचे समझे भी आप ले सकते हो, क्योंकि हिमालय बहुत ही पुराना ब्रांड है और मार्केट में इसकी अपनी एक अलग रेप्यूटेशन है, तो यू कैन बाय दिस। तीसरा, जो रिंकल क्रीम या फिर एंटी एजिंग क्रीम होती है वो स्टार्ट ही होता है 700-800 से। 700-800 की जगह पे अगर कोई भी चीज़ आपको अगर 250 रुपये में मिलती है, तो डेफिनेटली ये आपके बजट में है। और आप लोगों ने मेरे वीडियोस अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा ये रेकमेंड करती हूँ कि भले ही आपके फेस पे फाइन लाइंस, रिंकल्स या झाइयाँ, पिगमेंटेशन हो या ना हो, क्योंकि ये सारे एज के स्पॉट्स हैं, लेकिन अगर आप 30 की उम्र हो चुकी है आपकी एंड 30 की उम्र के बाद अगर आप एंटी एजिंग क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो आपके एज स्पॉट्स जो आपके चेहरे पे दिखने लगते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो जाता है। इन दैट केस यू कैन प्रिफर दिस क्रीम, क्योंकि हाँ ठीक है, अभी आपके फेस पे रिंकल्स नहीं है, उसको रिमूव करेगा या नहीं करेगा ये बात मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे फेस पे रिंकल नहीं था इसीलिए रिमूव भी नहीं हुआ, आई डोंट नो। लेकिन ऑब्वियसली जब आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, तो मॉइस्चराइजर की जगह पे अगर आप इसे लगाते हो, तो एक तो ये मॉइस्चराइजर का काम भी करेगा एंड साथ ही साथ आपको जो एंटी एजिंग इफेक्ट चाहिए अपने चेहरे पे, तो उसका फायदा भी आपको भरपूर मिलने वाला है। एंड तीसरा, बहुत सारे लोग एंटी एजिंग क्रीम का प्राइस देख के ही सोचते, छोड़ो यार मुझे जरूरत नहीं है, मेरे चेहरे पे फाइन लाइंस और रिंकल्स तो है नहीं, तो मैं क्यों पैसे बर्बाद करूँ। तो उस टाइप के लोग भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि 250 रुपये इट्स क्वाइट अफोर्डेबल। और ऑब्वियसली ये एंटी रिंकल क्रीम है, तो इसे बच्चे और दूसरे लोग लगाएंगे नहीं, तो अगर आप ये 50 ग्राम के एक बॉटल को खरीदते हो, तो आपको आराम से 3 महीना चलने वाला है। ट्वाइस इन अ डे आपको लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा, इतना मोती के जितना अपने पाम पे लेना है और फेस पे अप्लाई करना है, एक बार मॉर्निंग में आफ्टर बाथ एंड दूसरा बिफोर बेड, बस 2 बार लगा के देखिए। एंड इन सारी चीज़ों के अलावा मैं इसके जो बेनिफिट है जो मुझे फील हुआ है, वो है कि आपकी स्किन को ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाता है, स्मूथ बनाता है, एंड रेगुलर इस्तेमाल से आपके चेहरे पे एक हल्का सा ब्राइटनेस भी आती है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ रातों रात आ जाएगा, लेकिन रेगुलर इस्तेमाल से आएगी। और अगर आप इसको कंटिन्यू अगर यूज कर रहे हो तो हो सकता है रिंकल्स वगैरह भी रिमूव हो जाए, क्योंकि जो मैंने फील किया है रिंकल्स नहीं है मुझे यहाँ पे, लेकिन हल्की सी मेरी स्किन टाइट मुझे फील जरूर हो रही है, हल्की सी यहाँ पे, बिल्कुल स्लाइटली बोल सकते हो, थोड़ी सी मुझे टाइट जरूर फील हो रही है। तो आप एक ट्राई तो दे ही सकते हो। तो ये था मेरा जेन्युइन रिव्यू हिमालया एंटी रिंकल क्रीम के बारे में। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और अगर आप लोगों को ये क्रीम खरीदनी हो तो मैं आपको इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहां से एक बार चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो आप अपने लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।